what puts me off here is this, कि जिस पुलिस ने आपकी मदद करनी है जब कोई बदमाश आपकी प्रॉपर्टी पे आ जाए, वही पुलिस उनको कब्ज़ा कराती है। अच्छा ठीक है, मैं एस एच ओ से एक्सपेक्ट नहीं करती क्योंकि उसका लेवल और है, बट आपका सी एस एस किया वो ऑफिसर इस मुल्क का जब करप्ट हो जाएगा, एक एस पी लेवल का आदमी जब करप्ट हो जाएगा, तो फिर मैं किसके पास जाऊँगी? ये लोग सी एस एस करके आते हैं, इनकी अंदर थोड़ी सी भी इनके अंदर मॉरल्स नहीं है, एथिक्स नहीं है, ये लोग इंटेलेक्चुअली करप्ट हैं। इस मुल्क का सी एस एस किया वो ऑफिसर इंटेलेक्चुअली करप्ट है। मेरा प्राइम मिनिस्टर अच्छा भी होगा तो क्या करेगा जब यहाँ का जो ब्यूरोक्रेट है वो करप्ट हो गया है? इट्स नॉट द पॉलिटिशियंस अलोन, पॉलिटिशियंस अलोन अलोन कैन नॉट डू एनीथिंग अनलेस अंटिल आपका ब्यूरोक्रेट उनके साथ शामिल हो जाए। इस मुल्क का जो हाल हुआ है उसमें पॉलिटिशियंस के साथ ब्यूरोक्रेट्स इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं। मेरी पुलिस पे बदमाश ने कब्जा नहीं किया, पुलिस ने बदमाश के साथ मिलकर कब्जा कराया। और एसपी ने कराया, द एसपी न्यू कि प्रॉपर्टी पे स्टे है, द एसपी न्यू कि 9 महीने पहले एक और एसपी ने जगह पे कब्जा वागुजार कराया। इवन देन एसपी मुझे कहते हैं अच्छा नहीं आप स्टे लेके आए, स्टे की फ्रेश कॉपी लेके आए, अतीफी भट्ट को कहते जल्दी जल्दी तुम दीवार बनाओ, दीवार को पानी लगाओ। मुझे सिर्फ ये बताएं, ये तीफी भट्ट गोगी भट्ट ग्रुप आप सिर्फ गूगल कर लें, ही इज अ नोटोरियस लैंड ग्रैबर, ही इज अ गैंगस्टर। मैं चीफ जस्टिस से अपील करती हूँ, अगर आपने मंशा बम को पकड़ा है, अगर आपने खोखर ब्रदर्स पे एक्शन लिया, तो खुदा के लिए लाहौर को फ्री करें इन गैंगस्टर से, ताकि हम लोग भी सांस ले सकें। किसी बंदे के घर डकैती होती है, चोरी होती है, कुछ माल जाता है, जब जिसकी ज़मीन चली जाती है उसका सब कुछ चला जाता है, हमारी ब्रेड एंड बटर चली गई है। तो प्लीज़ खुदा के लिए, मैं इन मैन इन यूनिफॉर्म हु अब्यूज़ देयर पावर एंड अथॉरिटी, इनके पास पावर है, इनके पास अथॉरिटी है, इनके पास प्रेस्टीजियस ऑफिसेज हैं, आप डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस जाएँ, कितने बड़े बड़े इनके ऑफिसेज हैं, और इनके अंदर इतनी सी भी इंसानियत नहीं है, दे आर इनसेंसिटिव, क्योंकि हम लोग कीड़े मकौड़े हैं ना, कीड़े मकौड़ों की तरह ट्रीट करो क्यों? अब मुझे अफसोस होता है, मुझे MBA नहीं करना चाहिए था, मुझे तो CSS करना चाहिए था, अपनी प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट करने के लिए आपको CSS करना चाहिए। किस CCPO की प्रॉपर्टी पे कब्जा होता है, किस IG की प्रॉपर्टी पे कब्जा होता है? नहीं, प्रॉपर्टी पे कब्जा होता है एक आम इंसान की। देखें जी, आप एक आम इंसान है, आपकी प्रॉपर्टी इतनी महंगी हो गई है, ये तो आपके साथ सजती नहीं है, किसी बड़े बदमाश के साथ आपकी प्रॉपर्टी सजती है, जो लैंड क्रूजर्स में और हाइलक्स में और वीगो में घूमते हैं उनकी होनी चाहिए महंगी प्रॉपर्टी, काम इंसान की नहीं हो सकती। तो चलें जी, पुलिस को साथ में लाएं और कब्जा कर लें। मुझे IG पंजाब बताएं, इट्स बीन 2 मंथ्स मैंने सिटीजन पोर्टल पे एप्लीकेशन लॉन्च की है, उसके ऊपर ट्रैक आता है कि IG को फॉरवर्ड हुआ, इट्स बीन 2 मंथ्स, नोबडी इज कॉन्टेक्टेड मी। और जब मैं खुद पर्सनली जाके फॉलो अप करती हूँ तो द SSP लेवल का बंदा मेक्स यू सेट फॉर 4 to 5 hours एंड दे डोंट लिसन टू यू। क्यों क्यों वो मेरी बात सुनेगा? उसका दरवाज़ा खोलने के लिए भी एक बंदा है, उसकी चाय बनाने के लिए भी एक बंदा है, उसके बच्चे को स्कूल से पिक करने के लिए भी एक बंदा है, वो तो बादशाह है, उसको तो तकलीफ नहीं है। और जब उसको पर्सनल कोई तकलीफ होगी तो वो अपनी पावर और अथॉरिटी अपनी पर्सनल तकलीफ के लिए ज़रूर यूज़ करेगा, मेरी तकलीफ के लिए नहीं करेगा। आपने यहाँ पर एप्लीकेशन जमा करवाई? यस, मैंने इधर 2 हफ्ते हो गए एप्लीकेशन जमा कराई है। कैन यू इमेजिन, CCPO अमीन वैंस मेरे से नज़र नहीं मिला पाते थे, उनको मेरी प्रॉपर्टी के कब्जे की एक एक डिटेल पता थी, उन्हीं का सेक्रेटरी मुझे कहता है बीबी ये 4C चली जाए, इधर कुछ नहीं होना। यस, आई वॉन्ट टू टेक द नेम ऑफ शाहीन बट हेयर इज वेल, मुझे जिसने जिस दरवाजे का बताया मैं उस दरवाजे पे गई हूँ। अनदर रिपोर्टर टोल्ड मी बीबी OPC में जाएं, शाहीन बट बड़े अच्छे बंदे। मुझे थोड़ी देर बाद पता चलता ओ शाहीन बट ही इज फ्रेंड्स विद दीफी बट, सो द इन एक्शन शाहीन बट हमारी बात पूरी सुनता है। बट नो, जब दीफी बट की बीवी मरती है तो उसके ही अफसोस करने वो गया होता है, फिर मुझे पता चल दो वो तो फ्रेंड्स हैं, वो क्यों मेरी हेल्प करेगा। और आप यहाँ पे देखें, यहाँ का जो लैंड माफिया है ना, वो अकेला ऑपरेट कर ही नहीं सकता, इट्स इंटीग्रेटेड इनटू द सिस्टम, उनके आपके इदारों में लोग काम करते हैं, आपकी पुलिस में माफिया के लोग काम करते हैं, आपके रेवेन्यू में माफिया के लिए लोग काम करते हैं, और आपके LDA में माफिया के लिए लोग काम करते हैं, ये अकेले नहीं ऑपरेट करते। जब आपका ब्यूरोक्रेट, जब आपका अफसर, जब आपका पढ़ा लिखा अफसर उनके साथ मिलता है और करप्ट होता है, फिर आपके साथ ही होता है। अच्छा, यहाँ जो आपने एप्लीकेशन जमा कराई उसके ऊपर भी आपको
नोटिस वगैरह या इन्होंने बताया? नॉट येट, वी कॉल ऑन द नंबर दैट्स बीन गिवन टू अस कि जी क्या फॉलो अप है जी, आपको 10 डेज में बताएंगे, आपको 15 डेज में बताएंगे, फिर शायद कॉल आए. मेरी सिर्फ अपील ये, आई डोंट नो कि जो नेक्स्ट चीफ जस्टिस है वो कितना एक्टिव होगा आम लोगों को रिलीफ देने में. इनके बारे में ऑलरेडी एक रिप्यूट बन चुकी है कि नहीं आम लोगों की बात सुनते हैं. अब मुझे डर है कि मेरा चीफ जस्टिस ये बुला चला जाएगा तो नए आने वाले में इतना नहीं मेरी बात सुननी या नहीं सुननी. हम जैसे आम लोग सड़कों पे जलील होते हैं और बदमाश अपने घरों में बैठ के ऑपरेट करते हैं. आपका एसपी लेवल तक का बंदा उसको कॉल करता है कि भाई जान आपका एफआईआर में नाम दे ना दे. मेरे पे जिस दिन मेरा कब्जा छीनता है एसपी, उस दिन ऐसे मेरे पे एफआईआर भी दे देता है झूठी. यहाँ पे एफआईआर झूठी और आम आदमी और मासूम बंदे पे होती है, करप्ट पे नहीं होती, क्रिमिनल पे नहीं होती. एंड आई रियली डोंट नो हाउ मेनी इयर्स इट इज गोइंग टू टेक इमरान खान कि वो इस पुलिस को ठीक करें, क्योंकि बहुत सारे इस पुलिस में क्रिमिनल्स हैं, द क्रिमिनल्स इन यूनिफॉर्म. और जो क्रिमिनल नहीं भी है तो वो बहुत इनसेंसिटिव है, उसके अंदर इतना सा भी रहम नहीं है. थैंक यू.